जापान के साथ मिलकर चंद्रयान 4 मिशन भेजेगा इसरो। गड्ढा खोदकर वहां से मिट्टी के सैंपल लाए जाएंगे। मिशन का पूरा प्लान आया सामने। क्या है चंद्रयान 4 या लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन? भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा की तरफ अपनी यात्रा पर है। इस बीच बात उठ रही है चंद्रयान 4 मिशन की। ये कब शुरू होगा? आखिर इसमें क्या होगा? भारत इसे अकेले करेगा या किसी देश के साथ मिलकर? तो आपको बता दें कि जापान के साथ मिलकर भारत एक मून मिशन करने जा रहा है, जिसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन या ल्यूपेक्स। इसे लोग चंद्रयान 4 भी बुला रहे हैं। इस मिशन का पूरा प्लान सामने आ चुका है, तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप विस्तार से। इस मिशन में इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जांच पड़ताल करने के लिए लैंडर और रोवर उतारेंगे। उम्मीद है कि ये मिशन 2026-2028 के बीच पूरा हो सकता है। फिलहाल ये मिशन कॉन्सेप्ट और बातचीत के लेवल पर ही है, लेकिन इसे लेकर दोनों देशों के वैज्ञानिक काफी सकारात्मक हैं। भारत को इस मिशन के लिए लैंडर बनाना है, जबकि रोवर और रॉकेट जापान का होगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने जब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी ल्यूपेक्स मिशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट अभी सबमिट करनी है, ताकि सरकार से क्लियरेंस मिल सके। लेकिन इससे पहले कुछ मुद्दों को सुलझाना है, जैसे लैंडर और रोवर का वजन बड़ा मुद्दा है। इस पर दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे दोनों के वजन को कम किया जाए। डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल काफी विचार चल रहा है। दोनों देशों के वैज्ञानिक अपने अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। अभी तक ल्यूपेक्स मिशन के आर्किटेक्चर का अंतिम स्वरूप तय नहीं हुआ है। इस मिशन में काफी ज्यादा चुनौतियां हैं, जिसे सुलझाने का प्रयास जारी है। अगर इसरो इन लैंडर रोवर को अंतरिक्ष में भेजता है, तो ये हमारे रॉकेट की क्षमता से ज्यादा वजनी है। पहले उसे कम करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि लैंडर हमें बनाना है, जबकि रोवर जापानी स्पेस एजेंसी देगी। रोवर का वजन भी ज्यादा है, इससे पूरे लैंडर रोवर मॉड्यूल का वजन बढ़ेगा। इसलिए हम चंद्रयान 3 वाले इंजन और रॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमें वजनी लैंडर रोवर के लिए नया इंजन बनाना होगा। इसलिए दोनों देश अपनी तकनीकी क्षमताओं के अनुसार इसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस मिशन पर कई स्तर पर काम चल रहा है। चंद्रयान 3 से मिलने वाली सीख से भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान 4 मिशन में काफी कुछ बदलाव करेंगे। इस साल अप्रैल में जापानी डेलीगेशन भारत आया था, जिसने चंद्रमा पर लैंडिंग साइट के बारे में इसरो से बातचीत की थी, आइडियाज शेयर किए थे, साथ ही अन्य लैंडिंग लोकेशंस को भी खोजा गया था। इसके अलावा रोवर, एंटीना, टेलीमेट्री और पूरे प्रोजेक्ट के एस्टीमेट पर भी चर्चा की गई थी। माना जा रहा है कि इस पूरे मिशन में यान का कुल वजन 6000 किलोग्राम होगा, जबकि पेलोड का वजन 350 किलोग्राम के आसपास होगा। साल 2019 में भारत और जापान ने ल्यूपेक्स मिशन में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को भी शामिल करने की चर्चा की थी। अगर ये मिशन सफल होता है, तो भारत जापान मिलकर चंद्रमा की सतह पर 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर वहां से मिट्टी का सैंपल लाएंगे। इसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GPR का इस्तेमाल भी हो सकता है। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाना है, तथा जल संसाधनों के वितरण, स्थितियों, रूप तथा अन्य मापदंडों के पानी की मात्रा पर जमीनी आंकड़े प्राप्त करना है। इसमें रोबोट के माध्यम से चांद पर भारत
और जापान के झंडे भी लगाए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस मिशन के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और चंद्रयान 3 मिशन पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।